हेलो क्लास, वेलकम टू आवर एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास। माय सेल्फ संध्या तिवारी, योर एसएसटी टीचर। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर रिवीजन वर्क एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड रिवीजन वर्क फ्रॉम हिस्ट्री एंड आल्सो सिविक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन वर्क फ्रॉम ज्योग्राफी पोर्शन इन सेकेंड सेमेस्टर। थ्री चैप्टर्स मीन्स दीज टू 19 एंड 20 फुल चैप्टर विल कम, ओके, एंड फ्रॉम 12 एक्सरसाइजेस विल कम। आप चैप्टर 12 से एक्सरसाइजेस प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्लस 19 और 20 चैप्टर से होल चैप्टर प्रिपेयर करना है, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में करते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर रिविजन वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर रिविजन वर्क विद फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 9। हम लोग चैप्टर 19 से स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन वर्क। ठीक, पहले रिवीजन वर्क हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम चैप्टर 19। सो ब्लैंक आर प्रिजर्व इन द कॉर्बेट पार्क। क्या प्रिजर्व किया जाता है ना पार्क में, कॉर्बेट पार्क में? टाइगर्स। सेकेंड, राइनो प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। क्या है? काजीरंगा। थर्ड, ओक, चेस्टनट, देवदार, सीडार, चीर, पाइन आर ट्रीज ऑफ द डैश फॉरेस्ट। किस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक, नेक्स्ट, द डैश फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली अलोंग द डेल्टाज ऑफ द रिवर्स। किस टाइप के फॉरेस्ट डेल्टाज रिवर्स के पास आस पास पाए जाते हैं? टाइडल। नेक्स्ट, देयर इज अ लार्ज बर्ड सेंचुरी एट, कहाँ पर है? भरतपुर। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर फॉर फिल द ब्लैंक्स मीन्स चैप्टर 20। सो लिसन, फिल इन द ब्लैंक। अर्ली मैन वॉज द स्लेव ऑफ द, किसका स्लेव थे? एनवायरमेंट। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ डैश फोर्स्ड मैन टू गिव अप हिज नोमाडिक एग्जिस्टेंस। व्हाट गिव देम? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के वजह से उनको नोमाडिक लाइफ छोड़नी पड़ी थी। ठीक, नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ सीमेंट लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जब सीमेंट की डिस्कवरी हो गई तो लोगों को कैसा घर बनाने पर मजबूर होना पड़ा? पक्का हाउसेस। ठीक, नेक्स्ट, हाउसेस आर रिक्वायर्ड फॉर, हाउसेस क्यों जरूरत है? फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट, सेटलमेंट्स कैटर टू द डैश नीड्स ऑफ मैन, किस प्रकार के नीड्स की पूरा पूर्ति करता है? सोशल। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, मूव टूवर्ड्स चैप्टर 19। फर्स्ट कॉलम, मैच इट विद कॉलम ए विद कॉलम बी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, फर्स्ट वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, विच टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड हियर? मैच इट विद सी, दैट इज अ पाइन। सेकेंड, मॉनसून फॉरेस्ट, क्या है? मैच इट विद डी, दैट इज अ बैम्बू। थर्ड, थॉर्न फॉरेस्ट, मैच इट विद ई, कीकर। फोर्थ, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन, मैच इट विद बी, बबूल। फिफ्थ वन, टाइडल फॉरेस्ट, मैच इट विद ए, कैशरीना। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड्स मैच द फॉलोइंग फॉर चैप्टर 20। एनवायरमेंट, मैच इट विद ई, दैट इज सराउंडिंग्स। सेकेंड, अर्ली मैन, मैच इट विद सी, दैट इज लिव इन केव्स। थर्ड, कच्चा हाउसेस, मैच इट विद बी, दैट इज स्ट्रॉ, मड, इटीसी। फोर्थ, पक्का हाउसेस, मैच इट विद ए, दैट इज सीमेंट, ब्रिक्स, इटीसी। फिफ्थ वन, बैंगलो, मैच इट विद डी, दैट इज हैज मेनी रूम्स। ओके, अब हम, आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 19 और 20 में फिली ट्रू फॉल्स नहीं है, हमने यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ बेटा, ट्रू फॉल्स फ्रॉम चैप्टर 12, हमने लिखा है ना, ट्रू फॉल्स फ्रॉम चैप्टर 12।
12, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं बेटा, ठीक। सो देखिए ट्रू फॉल्स चैप्टर 12 को ऊपर, 12 को ओपन किया जाए, ठीक है। 12 में क्या है, फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है। सो लेट सी, यस, नंबर वन, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ट्रू, सही है ना। सेकेंड, सीमा इज द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट, क्या है, फॉल्स। थर्ड, द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज सॉरी बेटा, लिथोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स, ट्रू। अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट, ट्रू। फिफ्थ, बायोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ट्रू, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, क्वेश्चन आंसर। तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे आज, हम लोग आज करेंगे डिस्टिंग्यूज बिटवीन, ठीक है। क्या करेंगे, डिस्टिंग्यूज बिटवीन, डिस्टिंग्यूज बिटवीन में क्या है, पहला डिसीडियस वेजिटेशन एंड कॉनिफरस वेजिटेशन, सेकंड क्या है नेशनल पार्क एंड अ सेंचुरी। आप दोनों को डिफरेंसेस लिख करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ओके बेटा। और बाकी को आप क्या करेंगे, आप अपनी रफ कॉपी पर सारे क्वेश्चन लिख करके फिर अपनी अपनी बुक क्लोज करके आप इसका आंसर राइट करेंगे। आंसर राइट करने के बाद आप उसको मैच करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक सेम उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। आप ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है आप लर्न करके इसको राइट करके मेरे पास भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग रिवीजन वर्क अपना कर रहे हो, ओके। सो टुडे ओनली दिस मच, थैंक यू।